डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के दो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट जो है ना, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो आम रियल नंबर होते हैं उसमें ज़ीरो होता है, क्योंकि ज़ीरो किसी भी रियल नंबर के साथ एड होके तो उससे वही नंबर आता है। तो यानी ज़ीरो इधर से ऐड कर ले या इधर से ऐड करे, राइट से या लेफ्ट से, तो दोनों सूरतों में टू आएगा, क्योंकि टू के साथ जब ज़ीरो ऐड होता है तो टू आता है, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। इसी तरह मैट्रिसेस में भी कोई इस तरह चीज़ होनी चाहिए कि अगर वो हम ऐड कर ले किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो वो मैट्रिक्स आंसर में वो मैट्रिक्स आ जाए वापस। तो उस वो मैट्रिक्स जो है वो है, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। वो मैट्रिक्स है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसी भी आर्डर का, लेकिन किस आर्डर का होना चाहिए, जिस आर्डर का की वो मैट्रिक्स है उसी आर्डर की ज़ीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस डिफिनीशन को हम पढ़ते हैं कि द ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स विच इज़ डिनोटेड बाय ओ, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एंट्रीज है वो सारे ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, यानी इस तरह ज़ीरो 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 इस तरह, ठीक है। और ये है टू बाई टू ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसी तरह ज़ीरो 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 ये है टू बाई थ्री नल मैट्रिक्स, ठीक है, या ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसी तरह अगर थ्री बाई थ्री ले लें तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह की मैट्रिक्स होगी, यानी ज़ीरो 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 ज़ीरो, और ठीक है, और ये है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये थ्री बाई थ्री नल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जो इसको इससे डिनोट करते हैं ओ से, बिकॉज व्हेन इट इज एडेड टू एनी मैट्रिक्स ए द रिजल्ट इज अगेन ए, यानी जो आंसर आएगा वो भी ए आएगा। यानी ये देखिए, ए है, एक मैट्रिक्स है, उसके साथ हमने ओ को ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया ए, ठीक है। ये हमने जो ओ मैट्रिक्स है वो राइट साइड पे ले लिया, ठीक है, और ए को लेफ्ट पे, अभी ए को राइट पे ले लिया और ओ को लेफ्ट पे, फिर ऐड कर दें, फिर भी हमारे पास जो आंसर आता है वो ए आता है। अब जो इन दोनों के, चूंकि एडिशन में आपको पता है कि एडिशन अगर दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है, अगर ए का आर्डर है टू बाई टू तो ओ का आर्डर भी टू बाई टू होना चाहिए, लेकिन अगर ए का आर्डर है टू बाई थ्री, ठीक है, तो ओ का आर्डर भी टू बाई थ्री होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो भी आर्डर ए का होगा वही आर्डर ओ का भी होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ए गिवन है और ये देखिए ओ उसी आर्डर का है, ये टू बाई टू है तो इसका आर्डर भी टू बाई टू, ठीक है। अब दोनों आप ऐड कर सकते हैं, तो ए के साथ आप ओ ऐड कर लें, ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आता है, और ये हो गया ज़ीरो 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 ज़ीरो। इनको जब आप ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, थ्री प्लस ज़ीरो और माइनस वन प्लस ज़ीरो, इसी तरह टू प्लस ज़ीरो और फाइव प्लस ज़ीरो, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आता है वो है थ्री माइनस वन टू और फाइव। तो देखिए, अगर आप देख ले तो ये क्या चीज़ है, ये वही ए है आपके पास, तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई वापस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस ज़ीरो से जो आंसर आता है, ए प्लस ओ मैट्रिक्स से जो आंसर आता है वो है ए। इसी तरह अगर आप दूसरे साइड से ले लेते हैं, मसलन ओ प्लस ए ले लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर ले, ज़ीरो प्लस थ्री ये ज़ीरो और ये माइनस वन, और ज़ीरो प्लस टू और यहाँ पे ज़ीरो प्लस फाइव, इन द एंड आंसर क्या आएगा, थ्री माइनस वन टू फाइव, और ये क्या है, ये अगेन ए है। तो इसका मतलब है कि ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि दिस इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है मैट्रिसेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स ए है और ये देखिए इसका आर्डर क्या है, टू बाई थ्री, यानी दो रोज है और दो और तीन कॉलम्स हैं। इसमें जो हमने इसके लिए आइडेंटिटी बनाई है वो है, वो भी टू बाई थ्री, ठीक है, यानी दो रोज और तीन कॉलम्स सेम। तो अब अगर ए के साथ ओ प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, थ्री टू फोर और यहाँ पे टू फाइव माइनस वन और प्लस
जीरो 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 और जीरो जीरो जीरो, तो इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4, और यहाँ पे 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 0 5, और यहाँ पे -1 प्लस 0 -1। तो ये देखिए इससे हमारे पास ए मैट्रिक्स आती है। इसी तरह ओ प्लस ए से क्या आता है, तो ओ क्या है, ये है हमारे पास ओ, और ए 3 2 4 और 2 5 -1। अब इनको ऐड करें, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, और यहाँ पे 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 5 5, और यहाँ पे 0 माइनस 1 तो -1। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स ए आती है। तो इसी तरह ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, और दूसरी बात है कि ओ प्लस ए इज आल्सो ए। ठीक हो गया, ये एग्जाम्पल थी, आपको सिर्फ ये दिखाना था इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि ए के साथ अगर ओ मैट्रिक्स ऐड करें या ओ के साथ ए मैट्रिक्स ऐड करें, दोनों सूरतों में जो आंसर आता है वो आपके पास ए मैट्रिक्स आती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। जिस तरह नंबर में आप पढ़ते हैं कि 2 है तो -2 इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर इज 0। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में। अब मैट्रिसेस में भी एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, वो पहले ही हम कर चुके हैं। वो किस तरह, ये देखिए टॉपिक पढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। देखिए आर्डर सेम है दोनों का, इसका आर्डर और इसका आर्डर सेम है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं और आंसर जो आता है वो ओ आता है, यानी 0 0 0 0 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आती है, यानी नल मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये ए जो है ना, ये बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। वो किस तरह, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी व्हेन एडेड द आंसर इज नल मैट्रिक्स देन बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो इसको फिर हम, यानी जो बी है ये बेसिकली क्या है, माइनस ए, यानी ए का माइनस है। जिस तरह यहाँ पे 2 का -2, इसी तरह ए का -(-a), तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है, जिस तरह -2 2 का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, यानी बी इज इक्वल टू -a। या फिर दूसरी सूरत में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू -b। ठीक है, यानी इस तरह आप लिख सकते हैं कि ए की जगह पे आप -b लिख दें, तो ये +b, तो आंसर इज नल मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे ए और -a, तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी जो है ना, या बी जो है वो -a के बराबर कह सकते हैं कि बी क्या है, वो ए का इनवर्स है, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, और सिंपली हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं एडिटिव इनवर्स, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, यानी ये कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे मालूम करेंगे, अंदर जितनी एंट्रीज हैं ठीक है उनके साइन चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस कर दे और माइनस है तो प्लस कर दे। ठीक है, यानी ये सिंपली मैं आपको बता दूं कि इस तरह ये एक, ये -2 है, ये 3 है, ये 1 है माइनस, और ये 5 है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका एडिटिव इनवर्स किस तरह मालूम करेंगे, इन सब के जो एंट्रीज, अंदर जितनी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपके पास ए है और ये आपके पास ये ए हो गया, और प्लस -a कितना है, वो है 2 -3 1 -5, और आंसर क्या आएगा इन दोनों से, अगर -2 प्लस 2, और यहाँ पे 3 -3, और यहाँ पे -1 प्लस 1, और 5 -5। अब देखें कटिंग ये हो रही है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 0 0 0 0, और 0 ये क्या है, ये मैट्रिक्स ओ है, यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए को जब -a के साथ ऐड करते हैं तो आंसर इज 0, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और ये -a क्या है, एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियरली समझा दूंगा, ए मैट्रिक्स ये बने एक, और एक आपके पास बी मैट्रिक्स है, ये दोनों, और ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए विच इज दिस वन एंड मैट्रिक्स बी विच इज दिस वन, दीज ए एंड बी मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, यानी ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी
ए का इनवर्स है। उसका हल क्या है कि ए और बी को प्लस कर दें, आंसर क्या आता है? ठीक है, तो आंसर आना चाहिए नल मैट्रिक्स। ये हो गया ए मैट ए मैट्रिक्स ए हो गई, और ये इन दोनों को प्लस कर दें तो 3 माइनस 3 2, और -2 और -1 1, -1 प्लस 1, और ये -2 प्लस 2 4, और -4 6, और -6। अब अगर आप देखें तो कैंसिलेशन हो रही है, ये -2 प्लस 2, ये -4 -4, ये +6 -6। तो आंसर हमारे पास इन द एंड क्या है, 3 माइनस 3 कटे हो गए 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और ये बेसिकली क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी से नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स ऐड करें तो आंसर नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, आंसर इज नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये बी क्या है, ये ए का इनवर्स है। ठीक है, इसी तरह ये ए क्या है, ये बी का इनवर्स है। ठीक है, तो यही इस एग्जाम्पल में हमने करना था। और अगर आपको सिंपली ये दिया जाए कि दिस इज मैट्रिक्स ए, व्हाट इज इट्स इनवर्स, तो फिर किस तरह करेंगे? अगर एग्जाम्पल इस तरह हो जाए तो आप मैट्रिक्स ए लिख के, ठीक है, और यहाँ पे अब इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, तो माइनस ए तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ले, यानी साइन चेंज कर ले। ठीक है, तो ये साइन देके मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये इसके इनवर्स हो गए। और ये अगर आप देखें इस चीज को, तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो सिंपली आपको देखिए नजर आ रहा है कि जब मैंने ए का इनवर्स मालूम किया, इनवर्स मैट्रिक्स, तो इनवर्स मैट्रिक्स बी के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बी का इनवर्स मालूम करेंगे, यानी माइनस बी, वो ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कि बी क्या है, ए का इनवर्स। देखिए, ए और ए प्लस बी से अगर नल मैट्रिक्स आ जाए, जैसा यहाँ पे आ गया है, ए प्लस बी इज नल मैट्रिक्स। देखिए आंसर जब दोनों को प्लस किया तो आंसर इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब ए प्लस बी से नल मैट्रिक्स आ जाए, देन बी इज बेसिकली क्या है, बी क्या है, वो ए का इनवर्स है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, यानी ए ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ है कि बी को हम कह सकते हैं कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इसी तरह ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि आप बी को भी ले सकते हैं, बी ले ले और माइनस बी मालूम कर ले, तो माइनस बी आप मालूम कर ले। देखिए बी तो ये गिवन है आपको, माइनस बी क्या हो गया, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 1 -1, अच्छा साइन देखिए चेंज कर रहा हूँ। तो अगर इसको आप देख लें तो ये क्या है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस बी क्या है, ए, यही कहा हुआ है ना यहाँ पे कि माइनस बी अगर मालूम कर दे तो ए के बराबर आती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस फिक्रे पे गौर करते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन वी सिंपली चेंज द साइंस ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यही काम हमने किया है, लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज ये एक मैट्रिक्स है और ये है 3 बाई 2 मैट्रिक्स, यानी -2 3 -5 -7, और यहाँ पे है -1 -3। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स कि एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स आपने मालूम करनी है, तो वो माइनस ए के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करने हैं, तो 2 हो गया, और -3, देखिए जो माइनस है वो प्लस कर दिया, जो प्लस है वो माइनस कर दिया। इसी तरह -5, ये +7, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे +3। तो देखिए ये माइनस ए मैट्रिक्स मालूम होगी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर ले, सिंपली आप खुद कर ले, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 0 0 0 0 0, ये आंसर आएगा, जो कि नल मैट्रिक्स है या ऑर्डर 3 बाई 2। देखिए ये भी 3 बाई 2 है, ठीक है, ये भी 3 बाई 2 है, इन दोनों के ऑर्डर यही है, और जो नल मैट्रिक्स आती है वो भी 3 बाई 2 है। तो इसलिए ए प्लस माइनस ए से आंसर क्या आता है। आप अगर इस तरह मालूम करें, माइनस ए पहले ले लें ये वाली मैट्रिक्स, और इसके साथ ए ऐड कर लें, तो तब भी आपके पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आएगी। ठीक है,
तो आप चेक कर ले इसको, खुद ही ऐड कर ले इन दोनों को, ए और माइनस ए को, आपके पास क्या आंसर आता है। और फिर माइनस ए पहले लिख दे और ए बाद में लिख दे, दोनों को प्लस कर ले, तो क्या आंसर आपके पास आता है, आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आई। ठीक है, तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू।